टॉर्क। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, मैंने कंप्लीट ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का डिफरेंस बताया था और फिर दोनों का एक कंबाइंड मोशन बताया था। ट्रांसलेशन मोशन कब होता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स लग रही होती है तो बॉडी एक्सेलरेट करता है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है और हम लोग क्या लिख देते हैं, एफ बराबर एम इनटू ए। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम होता है फोर्स। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और उसका ओमेगा चेंज हो रहा है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है अल्फा, जिसको तुम बोलते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरीके से एसीएम प्रोड्यूस करने वाला फिजिकल क्वांटिटी फोर्स होता है, उसी तरीके से रोटेटिंग बॉडी का ओमेगा चेंज करने वाला या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस करने वाला फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क डिफाइन कैसे होता है इसकी भी बात करेंगे, नेट टॉर्क जीरो होगा तो क्या होगा, नेट टॉर्क नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, वो सारी डिस्कशन आज अपना इस पे बेस्ड होने वाला है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, दोनों पार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क, लेट्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट टॉर्क। तो बच्चे मान लो, सबसे पहले टॉर्क डिफाइन करने के लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या है, क्योंकि टॉर्क भी जो होता है ना वो एक तरह का एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, जो एक्सिस के लॉन्ग लग रहा होता है, जैसे कि ओमेगा अल्फा, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, जो कि एक्सिस के लॉन्ग लग रहा होता है। उसी तरीके से जो टॉर्क होता है वो भी एक तरीके का एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है, टॉर्क भी एक तरीके का एक्सियल वेक्टर होता है, तो यानी कि वो एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम टॉर्क डिफाइन करेंगे हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी एक्सिस क्या है जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेशन कर रहा है। तो सबसे पहले मान लो, जस्ट इमेजिन करो, यहां पे मैं दो चीजें दिखाऊंगा, एक तो मैं डॉट दिखाऊंगा, डॉट मतलब एक्सिस बाहर की तरफ है, या फिर क्रॉस, क्रॉस मतलब ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर चीजों को या तो डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए इसका मतलब एक्सिस कुछ ऐसी है, फाइन ना। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि ये मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है। मैंने इस बॉडी के ऊपर सपोज करो ऐसे टेंजेंशियली फोर्स एफ लगा है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऐसा है, और एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की दूरी है आर, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इस बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क हम डिफाइन कैसे करते हैं वो समझना। टॉर्क फॉर एनी रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये डिफिनेशन होती है टॉर्क, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, यही मेरा है आर वेक्टर। फोर्स क्या है, तो फोर्स मेरा ये रहा फोर्स। इनके बीच के एंगल को मैंने बोला कि सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क डिफाइंड होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि तुम्हें पता ही है आर क्रॉस एफ को तुम क्या लिख सकते हो, मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब ये एक्सियल वेक्टर को मैंने शो किया है, वो तो डिपेंड करेगा आर क्रॉस एफ। क्या तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं आता, ये बताऊंगा नहीं मैं पहले बता रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए आर क्रॉस एफ। देख रहे हो, आर की तरफ हाथ दो, एफ की तरफ मोड़ो, बाहर की तरफ आया, एक्सिस के लॉन्ग आया। वही अगर मान लो एफ क्रॉस आर करना होता, मान लो सपोज करो, तो मैंने कैसे किया था आर क्रॉस एफ, हाँ एफ क्रॉस आर, तो एफ क्रॉस आर अंदर आया ना, तो ये भी एक्सिस के लॉन्ग आया, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये दो जो भी वेक्टर आया है ये अपने एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है ना। तो टॉर्क इज डिपेंडेंट आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, आर की तरफ हाथ दोगे, एफ की तरफ मोड़ दोगे, तो बाहर की तरफ आ जाएगा, पहली बात तो ये। वैसे मैं सही बताऊं तो कभी भी तुम्हें ये ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों, जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेट टॉर्क अंदर की तरफ है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेट टॉर्क बाहर की तरफ है। सोचो इस पे अगर तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा,
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, टॉर्क पक्का बाहर होगा बिना कुछ किए हुए, इसलिए अपने को इतना सोचना नहीं। एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज बोले तो अंदर, आर क्रॉस एफ करते रहोगे। हाँ ये लो, आर कहाँ गया कहाँ गया, आर क्रॉस एफ बाहर आया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इससे अच्छा अपने को पता है कि यहाँ पे फोर्थ लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये आ गया अपना टॉर्क का डिफरेंशियल। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाला हूँ, देखना मैं कैसे करता हूँ। मैंने क्या बोला, एक काम करते ना यार, इस फोर्स को थोड़ा और तिरछा ले लो, तब तुम्हें फील आएगा कि आखिर में बताना क्या चाह रहा हूँ। इस फोर्स को थोड़ा सा और टेढ़ा ले लो, ऐसा ले लो सॉर्ट, अब सही रहेगा। ये थीटा है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये रहा मेरा एफ, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो भाई साहब, एफ साइन थीटा को एक साथ क्लब कर लो। क्लब करने में कुछ ज्यादा थोड़ी है, कर लेते हैं। तो टॉर्क बराबर, तुम देखना जरा गौर से, इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट है एफ, रुक जाओ मैं यहां को फ्रेश से पिक्चर बनाता हूं। पहला ये एक्सिस है, ये फोर्स है और ये आर वेक्टर है, ये थीटा है। तो एफ का ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और एफ का ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, जो कि आर वेक्टर के 90 डिग्री पे। तुम एक बात गौर से देख रहे होगे, एफ साइन थीटा को अगर तुम लेते हो, यानी कि तुम ये वाला कंपोनेंट लेते हो, यानी कि टॉर्क का जो डिफिनेशन है ना, वो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मॉड आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। अब तुम बोलोगे सर ये एफ परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे एफ परपेंडिकुलर फोर्स का वो कंपोनेंट है जो मेरा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक तो फोर्स का कंपोनेंट, एक तो आर वेक्टर के अलोंग है, अलोंग वाले को नहीं लेना, अलोंग वाले का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला है इसको अपने को लेना है। तो वो क्या आ जाएगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर इंटू एन कैप, ये एक तरीका हुआ। दूसरा इसको कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं मैं समझाता हूं, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट रहा, ये आर वेक्टर रहा, ये फोर्स एफ रहा, ये थीटा रहा। पता है वो क्या करते हैं, देखना जरा गौर से क्या करेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो काम करेंगे, इस फोर्स को पीछे प्रोड्यूस करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कुछ भी करते रहते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा, अच्छा ये कितना है भाई साहब, तो ये पूरा लेंथ है मॉड आर। अगर ये पूरा मॉड आर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ कितनी होगी भाई साहब, ये होगी मॉड आर साइन थीटा। यानी कि इसी टॉर्क को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, टॉर्क बराबर आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स इनटू एन कैप। आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स क्या, तो आर परपेंडिकुलर क्या है, वो आर वेक्टर जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, फोर्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। देख रहा है आर साइन थीटा जो है, ये आर का कंपोनेंट है फोर्स वाली लाइन के लॉन्ग, यानी कि इस आर्म का लेंथ, ये जो अपना आर वेक्टर था उसका दो कंपोनेंट है, एक फोर्स के लॉन्ग होगा और एक फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या किया, हमने आर का वो लेंथ लिया जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसी लेंथ को कभी कभी वो लीवर आर्म बोलता है, वो क्या बोलता है उस लेंथ का कभी कभी बोलता है लीवर आर्म। तो भाई तुम्हारे पास कुछ भी रहे तुम तो ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। चाहे तो तुम आर का कंपोनेंट कर दो, या तो तुम फोर्स का कंपोनेंट कर दो, या दोनों में से किसी का कंपोनेंट नहीं करो, थीटा के टर्म में निकाल दिया करो। यही अपना होता है टॉर्क, टॉर्क निकालना से आसान काम दुनिया में कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें एक दो पिक्चर दिखा सकता हूँ, और कुछ पिक्चर की बात करते हैं, जैसे कि ठीक है और कुछ पिक्चर की बात करते हैं। मान लो मैंने बोला कि पहले एमजी का ही टॉर्क लेते हैं अपन, ठीक है। एक रॉड है जिसको हमने इस पोजीशन से छोड़ दिया, मैंने बोला फाइंड द टॉर्क ऑफ एमजी अबाउट दिस पॉइंट ओ। अब एक बात बताओ, एमजी कहां पे लगेगा, तो एमजी लगेगा हमेशा सेंटर ऑफ मास पे। तो मैंने बोला यार एमजी तो यहां पे लगा सेंटर ऑफ मास पे, अच्छा तो mg से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अभी भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये l by 2 है, अगर पूरा लेंथ है रॉड का l है, तो बताओ टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताओ। तो सीधा तुम क्या लिख दोगे, mg into l by 2, दिखा सिंपल। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, अब तुम देख रहा
बस तुम देखते जाना मैं कैसे चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉर्क लिखना बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याना चाहिए। मान लो ये रॉड जो है वो कुछ ऐसे करके टिल्ड हो गया, सपोज करो अब मैंने बोला अब लिख एमजी का टॉर्क, अब लिख के बता, और मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई साहब ये थीटा एंगल टिल्ट हो गया। तो एक काम तुम्हें करना है क्या, या तो आर का वो कंपोनेंट ले लो जो एमजी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। भाई मेरा आर तो ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच की ये दूरी जिसकी लेंथ है L/2, बट मैंने क्या बोला एमजी वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, तो ये तो ये है। ये क्या, अगर ये L/2 है तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ जो है ये भाई साहब L/2 cos थीटा है। तो यहां पे जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना वो हो जाएगा एमजी फोर्स इंटू L/2 cos थीटा परपेंडिकुलर लेंथ पॉइंट से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की लाइन में एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, यही है मेरा वहां पे r sin थीटा, दिख रहा है फोर्स वाई लाइन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाई लाइन से एक्सिस की परपेंडिकुलर दूरी। या तो तुम ऐसे कर लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और क्या है, और क्या है देखना। दूसरा कहेगा नहीं मैं तो फोर्स का कंपोनेंट करूंगा, मैं तो फोर्स का कंपोनेंट करूंगा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। अरे भाई गधा तू कुछ भी कर ले, ले ये लगा मेरा क्या, ये लगा मेरा एमजी और ये क्या मेरा बता थीटा है। तूने एमजी का कंपोनेंट किया, सपोज कर मैंने तेरी बात मान ली, मैंने बोला ये थीटा तो ये 90 - थीटा तो ये 90 - थीटा तो ये कितना, ये थीटा, तो एमजी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया एमजी कॉस थीटा और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया एमजी साइन थीटा। अब मैंने बोला कि एमजी का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो क्या है, एमजी कॉस थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू बताओ गधे क्या होगा, ये होगा एमजी कॉस थीटा इंटू आर, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर या नॉर्मल FR साइन थीटा वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वहां साइन थीटा जब करोगे तो साइन 90 - थीटा आ जाएगा। अब तुम इसी सवाल को करोगे कि सर मैं किसी का कंपोनेंट नहीं करूंगा, मैं तो नॉर्मली करूंगा आर क्रॉस F। कर ले आर क्रॉस F, आर किधर बता, आर इधर की तरफ है, F किधर बता नीचे की तरफ है, ये थीटा तो ये कितना 90 - थीटा तो ये कितना 90 - थीटा, तो क्या हो जाएगा आर यानी कि L/2 इंटू एमजी इंटू साइन ऑफ 90 - थीटा विच इज कॉस थीटा, सेम आएगा तीनों तरफ से। दिमाग ज्यादा मत लगाना, कोई भी एक देख लो पता ही तुझे क्या करना है। ये होता टॉर्क, आई बात सुनो। अब कुछ बेसिक बातें मैकेनिक्स की, टॉर्क निकालना तो सीख लिए और जो भी है टॉर्क निकालना सीख लिए, तो अपन अभी टॉर्क के बारे में और भी बात करेंगे जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब किसी बॉडी के ऊपर दो ही चीज हो सकता है, या तो बॉडी रोटेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा या दोनों करेगा। कोई बॉडी मेनली तीन ही चीज कर सकता है ना, या तो वो ट्रांसलेट करेगा विथ ए एक्सेलरेशन, या तो वो रोटेट करेगा या फिर वो दोनों करेगा। टॉर्क क्या करवाता है बॉडी को, अल्फा देता है मतलब वो रोटेट करवाता है। एफ क्या करवाता है, ट्रांसलेट करवाता है यानी कि वो एक्सेलरेशन ए देता है। तो कई सारा केस पॉसिबल है कि मान लो अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, व्हाट डज दिस मीन, इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे। अभी मेरा एक लर्निंग वीडियो में मैंने दो वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं दूंगा तुम्हें, बट मेरी मतलब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दूं। मैं जैसे तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो अभी तक इक्विलिब्रियम मतलब होता था एफ नेट जीरो, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब बॉडी के ऊपर कोई एफ नेट नहीं लग रहा होगा, मतलब एफ नेट जीरो होगा। लेकिन अब जब तुम रोटेशन पढ़ लिए हो या स्टार्ट कर दिए हो, जब भी किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात होगी, सुनना मेरी बात गौर से, जब भी किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात होगी, सिर्फ फोर्स के बारे में मत सोचना, तुम्हें फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी सोचना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मैंने बोला ये मार्कर यहां पर है, ये मार्कर के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ये आगे नहीं भाग रहा लेकिन ये मार्कर घूम रहा है, तो क्या नेट फोर्स जीरो होने से क्या ये मार्कर इक्विलिब्रियम में है, नहीं, इसके ऊपर नेट टॉर्क है। तो इवन अगर बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क होगा तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो चलो हो सकता है, बट फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन जब भी मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, मेरे इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि ट्रांसलेशनल भी होना चाहिए रोटेशनल भी होना चाहिए। बट अभी तक मैंने तुम्हें रोटेशन नहीं पढ़ाया था, इसीलिए कभी भी मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं की। लेकिन आज से अभी से पूरी फिजिक्स में जब भी कोई सवाल दिया रहेगा कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यू शुड स्ट्राइक इन योर माइंड
दैट मीन्स द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब किसी बॉडी के ऊपर क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो क्या अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा? और इस बारे में पता करते हैं। या किसी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो और नेट फोर्स नॉन जीरो हो, क्या ऐसा हो सकता है? आओ इसकी बात करते हैं। चलो ठीक है, अब मैं एक एक करके तुम्हें सवाल बताता हूं क्या क्या हो सकता है। केस नंबर पहला, नेट टॉर्क नॉन जीरो हो बट नेट फोर्स जीरो हो, यह पॉसिबल है। पता है कैसे? ऐसे मान लो एक रॉड पे जिसका लेंथ एल है, मैं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूं। मुझे बताओ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इस रॉड के ऊपर एफ नेट कितना है? गधा भी देख के बता दे एफ माइनस एफ, एफ नेट तो जीरो है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछा कि टॉर्क नेट बताओ, अब देखो सेंटर के अबाउट पूछा मैंने, टॉर्क नेट सेंटर के अबाउट। देखो इसका लेंथ एल मान लिया मैंने, आर क्रॉस एफ करना, सेंटर से आर वेक्टर बाहर, हमेशा एक्सिस से बाहर की तरफ होता है आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ किधर आया? अंदर। अंदर बोले तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, बताया था ना, वैसे भी अंधे हो क्या? यहां पे फोर्स लगेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे ही तो घूमेगा। अच्छा, और यहां पे फोर्स लगेगा तो कैसे घूमेगा? ऐसे ही तो घूमेगा। तो यानी कि दोनों फोर्स इसको घुमा रहा है, बट मैथमेटिकली तो प्रूफ कर ले, आर क्रॉस एफ अंदर, यहां देखना आर क्रॉस एफ अंदर, आर क्रॉस एफ अंदर, आर क्रॉस एफ अंदर, दोनों का टॉर्क अंदर ही आ रहा है, यानी कि टॉर्क दोनों का एड हो रहा है। कितना आ गया टॉर्क की वैल्यू जल्दी बताओ? F इंटू एल बाई टू, परपेंडिकुलर लेंथ L बाई टू ही है, माइनस के कैप, ये है टॉर्क। देखो F नेट जीरो है बट टॉर्क नेट जीरो नहीं है, तो ये पॉसिबल है। इस फोर्स को बोलते हैं कपल फोर्स। क्या बोलते हैं? कपल फोर्स। वाह, समझ में तो आई गया होगा, इसको बोलते हैं कपल फोर्स। आई बात समझ में? तो इस फोर्स, ऐसा फोर्स जिसका F नेट जीरो बट टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एफ नेट नॉन जीरो हो लेकिन टॉर्क जीरो? बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है, ये फिजिक्स की दुनिया है भाई, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ एफ लगाया और यहाँ भी एफ लगा दिया, अब बता मेरे को, अब बता। मैंने पूछा बता एफ नेट कितना हुआ, तूने बोला भाई ये सब टू एफ हो गया, मैंने बोला टॉर्क नेट बता। अब तू देखना, देखना गौर से, ये किधर आया? अंदर। आर क्रॉस एफ किधर आया? अंदर। और यहाँ देख, यहाँ पर देख कैसे घुमाए, आर आर क्रॉस है बाहर, एक अंदर एक बाहर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। वैसे भी अगर दोनों फोर्स ऐसे लगेगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो ये सीधा भागेगा, ये घूमेगा काहे? ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है भाई, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, दोनों का घुमा घुमा कट गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, मतलब दोनों सेम सेंस में घुमाना चाह रहा था, इसलिए वहां नेट टॉर्क हुआ। आई बात समझ में? यानी कि ये बात ध्यान रखना कि जब भी किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात होगी, इक्विलिब्रियम बोले तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और फोर्स भी जीरो होना चाहिए। फोर्स नॉन जीरो भी हो सकता है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, टॉर्क नॉन जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। और दोनों ही नॉन जीरो हो सकता है, वो तो पॉसिबल ही है, वो तो अपन पूरी रोटेशन में ही पढ़ेंगे, जब दोनों ही नॉन जीरो हो रहा होगा, फोर्स भी होगा, टॉर्क भी होगा, दुनिया का हर कुछ ही होगा। आई बात समझ में? ये बेसिक हुआ टॉर्क का डेफिनेशन, अपन ऐसे टॉर्क के डेफिनेशन की बात करते हैं। अब सुन, इसके अलावा जैसे ये तो टॉर्क की बात हो गई, अपन इसके ऊपर सवाल करेंगे, टॉर्क के इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क के ऊपर हम कई सारे अपन सवाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो तुम्हें उसका टेंशन नहीं लेना, इक्विलिब्रियम के ऊपर कई सारे सवाल भी अपन करेंगे। अब ये तो हो गया, अब बात ये है कि तुम टॉर्क बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि टॉर्क बैलेंस करे तो कहीं कहां से करे। देखो, क्योंकि टॉर्क बैलेंसिंग भी एक कला है। अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मेरी बात सुनना गौर से जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मेरी बात सुनना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो तुम टॉर्क ऐसे पॉइंट के अबाउट बैलेंस करो जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क जीरो हो रहा हो। कहने का क्या सेंस है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो, सुनना, कुछ केसेस, जैसे मैं तुम्हें बोलूं, क्या बोलूं,
कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये रॉड है, ठीक है, और मैंने बोला इस रॉड पे एक फोर्स में यहां से एफ लगा रहा हूं, मुझे फोर्स की वैल्यू पता है, सेंटर पे इसके एम जी लग रही है, और मैंने बोला ये रॉड बिल्कुल रेस्ट पे। अब कितने सारे पॉइंट है जहां से तुम ट्रांसलेशनल, देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि ये पूरा रॉड रेस्ट पे, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद तुम टॉर्क बैलेंस करना चाहते हो? देखो अगर कुछ भी ना दिखे तो फिर सेंटर के अबाउट कर दो, लेकिन मेरा क्या मानना है समझना, फिजिक्स में कैसे अप्रोच करना है। यहां पे एक हिंज है, ये ठोका हुआ है, कील है, ये एक्सिस है, यहां पे लग रहे फोर्स के बारे में अपने को नहीं पता, यहां पे क्या फोर्स लग रहा है इसके बारे में अपने को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं ना, जिस पॉइंट पे फोर्स के बारे में अपने को नहीं पता ना, उसी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो टॉर्क अबाउट ओ जब हम निकालेंगे तो यहां पे लग रहा हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये एक्सिस से ही पास करेगा तो आर वेक्टर ही जीरो है, और आर वेक्टर जीरो है तो टॉर्क जीरो है। इसी वजह से हम ऐसा ऐसा पॉइंट चुनेंगे सवाल करने में जिस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं। टेस्ट जैसे ये मान लो रेस्ट पे था, मान लो ये रेस्ट पे मुझे टॉर्क बैलेंस करना है, तो मैंने क्या बोला mg का टॉर्क बताओ, वो आ गया mg into distance यानी कि l by 2। मैंने बोला f का टॉर्क बताओ तो minus f into l आ गया, mg का टॉर्क अंदर की तरफ आ गया, f का टॉर्क बाहर की तरफ आ गया, बाहर वाले को निगेटिव लेके मैंने ऐसे करके कर दिया, नेट टॉर्क की वैल्यू ये आ गई। अगर मैंने बोला कि ये इक्विलिब्रियम में है यानी कि नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो कर दिया। अब गधे क्या करेंगे कि इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे इस पॉइंट के अबाउट। अरे गधे जब तुम सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे तो mg का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क भी तुम लिख लोगे क्योंकि तुम्हें f पता है, बट हिंज पे लग रहा फोर्स क्या उसके बारे में कोई जानकारी है? इस फोर्स के बारे में कोई जानकारी है क्या कि किस डायरेक्शन में कैसे लग रहा है? हो सकता है ये फोर्स ऐसे लहराता हुआ लग रहा हो, अब निकालते रहे कितने एंगल पे लग रहा है वो अलग बात है कि मैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिख के ये फोर्स निकाल सकता हूं, फिर उसके बाद उसका टॉर्क भी लिख सकता हूं। बड़ी और लंबा क्यों जाना, ये फोर्स निकालो, एंगल निकालो, फिर उसका नहीं, ऐसा नहीं। अपन इसलिए बहुत सिंपलीफाइड चीजों को करने की कोशिश करेंगे, ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे रोटेशन में जिसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने से मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क तो वहीं खत्म हो जाए, वहीं खत्म हो जाए। तो इससे केसेस क्या बने समझना, जैसे कि मैं क्या बोलूं कि कोई बॉडी है यहां पे हिंज है, अगर फोर्स उसके एक्सिस वाले पॉइंट से ही पास हो रहा हो तो ऐसे ही टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस से ही पास हो रहा है ना यार, एक्सिस से ही अगर फोर्स पास हो रहा है तो आर वेक्टर ही जीरो हो जाएगा, और आर वेक्टर जीरो हो जाएगा तो फोर्स तो ऐसे ही, टॉर्क तो ऐसे ही जीरो होना है, ये सबको पता है, गधों को ही पता है ये बात। अच्छा ये होगी पहली बात। दूसरी बात अपने को क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात तो ये पहली बात हो गई, दूसरी बात अपने को क्या पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि भाई एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि अगर फोर्स एक्सिस के अलोंग लगेगा तो उसका भी टॉर्क नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम लोग बताते हैं कि मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लो ये मतलब मेरा ये ऑब्जेक्ट है और ये इस एक्सिस के बाहर घूमना चाह रहा है, ऐसे घूमना चाह रहा है, अब एक बात बताओ फोर्स ऐसे लगाओगे ऐसे लगाओगे ऐसे लगाओगे तो ये घूमेगा, अब तुम क्या करोगे, नहीं मैं तो फोर्स ऐसे लगाऊंगा ऐसे, और ये पूरा एकदम ठूसा हुआ है, एकदम ऐसे ठूसा हुआ है, अब तुम ऐसे लगाओगे तो टूट जाएगा, अगर रिजिड बॉडी है तो थोड़ी ऐसे घूम जाएगा, ऐसे फोर्स लगाने थोड़ी ऐसे 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 घूम जाएगा, ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे फोर्स लगाओगे तो टेढ़ा होकर टूट जाएगा, ऐसे घुमाने के लिए एक्सिस ये वाली चाहिए, लेकिन अगर एक्सिस ये वाली है, ये वाली एक्सिस है तो ऐसे फोर्स लगाओ ऐसे फोर्स लगाओ ये नहीं घूमेगा, यानी कि उसका भी टॉर्क अपन कंसिडर नहीं करेंगे, उन फोर्स का भी टॉर्क कंसिडर नहीं करेंगे जो एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, एक्सिस भी ऐसी और फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है, नहीं उन फोर्स का भी अपन टॉर्क कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी तो हमेशा एक्सिस के अलोंग ही घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी ना, ये वाला फोर्स तुम लगा भी दोगे, ये वाला फोर्स तुम लगा भी दोगे तो ये हाथ थोड़ी घूम जाएगा, थोड़ी घूम नहीं घूमेगा, वो कभी नहीं घूम सकता। आई बात समझ में, ये बेसिक फंडा होता है जो अपने को क्लियर करना होता है। तो अभी सबसे पहला जो अपना टारगेट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो भी अपना सवाल होगा वो फर्स्ट टारगेटेड किस पे होगा, ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी क्वेश्चन अपन करेंगे, जो सेकंड टारगेट में अपन एंट्री मारेंगे, जब सेकंड टारगेट में अपन एंट्री मारेंगे तो इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, फिर अपन बात करेंगे जब टॉर्क की वैल्यू नॉन जीरो होगी। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती है, समझना या ऐसे मैं आगे दोबारा बताऊंगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जब बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि एफ नेट जीरो है जब अपने
रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही होती है तो अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क नेट जीरो हो। लेकिन अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या आएगा, तो पक्की बात है कि एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी एम ए सी ओ एम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि टॉर्क नेट नॉन जीरो है, तो जैसे कि एफ नेट यहां पर आता है, टॉर्क नेट यानी कि आर क्रॉस एफ अगर नॉन जीरो है, दैट इज डिफाइंड एज आई इंटू अल्फा, जहां मास की जगह पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम आता है और ए की जगह पे अल्फा का काम आता है। अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो वीडियो तुम्हारे ऊपर डल चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। अगर तुम्हें प्रूफ में दिक्कत हो कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ कैसे होता है, लर्निंग वीडियोज में जो स्टार्टिंग का दो तीन लेक्चर है तुम बोलोगे तो मैं वो फ्री करवा दूंगा, वो तुम देख लेना, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रूफ तुम्हें मिल जाएंगे। बट बेसिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि सवाल जेई में और मेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने भी पूछता है रोटेशन में, तो वो निकालना हमें आना चाहिए। पैरेलल एक्सिस छोड़ो, परपेंडिकुलर एक्सिस, वो पूरा क्लियर होना चाहिए हमारे लिए। बाकी आई निकल गया, अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकल गया तो बस हो गया, पता चल गया किससे घूम रहा है, किस रेट से ओमेगा चेंज हो रहा है, सब कुछ हो गया। ये अपना टॉर्क और उसके ऊपर कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट टर्न पे आज के दिन ही अपन कुछ लेक्चर्स भी करेंगे इसके ऊपर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।